अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ब्रांड मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे। नए साल में पढ़ाई कर रहे हैं ना बराबर? ओके, पिछले साल आप 8वीं में थे, इस साल आप 9वीं कक्षा में आ गए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है स्कूलें बंद है, लेकिन फिर भी हम आप तक पहुंच रहे हैं वीडियो के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, जूम के ज़रिए। लेकिन आपको क्या करना है, आपको भी पढ़ाई करना है और ये वीडियो आप तक हम पहुंचा रहे हैं VTC की मदद से। अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, माध्यम हमारा है उर्दू, कक्षा 9वीं, विषय हिंदी पढ़ने वाले आज हम लोग, हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा के लिए। इकाई 1 और पाठ है नदी की पुकार। पाठ क्या है? नदी की पुकार, एक कविता हम लोग पढ़ेंगे जिसे लिखा है सुरेश चंद्र मिश्र ने। और मैं हूँ आपका शिक्षक, जानते हैं ना आप लोग मेरा नाम? जी हाँ, मैं हूँ आपका शिक्षक शम्स तबरेज। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक जानकारी शेयर करना चाहता हूँ, तो इसे अभी ध्यान से देखिए। बच्चों देखिए, ये है आपका वीडियो, दिख रहा है आपको? जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, ये है वीडियो। और डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन कहाँ है? यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन, दिख रहा है आपको? ये डिस्क्रिप्शन है। और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको सवालात दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे? ये सवालात दिखाई दे रहे हैं आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट में आपको दिख रहा है फीडबैक, दिख रहा है फीडबैक? तो इस तरह आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लिखना है। इस सबक से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको कॉपी में लिखना है, और नीचे जो फीडबैक है वो फीडबैक आपको भरना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं नदी की पुकार, जिसे लिखा है सुरेश चंद्र मिश्र जी ने। इनका परिचय हम लोग कर लेते हैं, इनसे परिचय कर लेते हैं, इनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ 18 मई 1965 धनौपुर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। आप आधुनिक हिंदी कविता क्षेत्र के जाने माने गीतकार हैं। कौन? सुरेश चंद्र मिश्र जी। कब के? आधुनिक हिंदी कविता के जाने माने गीतकार हैं, यानी आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं। उसमें अगर हम देखेंगे रचना इन्होंने क्या क्या किए हैं, संकल्प, जय गणेश, वीर शिवाजी, पत्नी पूजा, काव्य संग्रह इनका, आपकी चर्चित कृतियां हैं, ये बहुत सारी इन्होंने लिखी है किताबें। संकल्प, जय गणेश, वीर शिवाजी, पत्नी पूजा, ये कविता है उनकी, आपकी चर्चित कृतियाँ हैं, यानी आपकी ये कलाकृतियाँ ही आपने लिखी हुई है। तो ये है सुरेश चंद्र मिश्र जी और उनका परिचय। 18 मई 1965 को पैदा हुए उत्तर प्रदेश में, और आप आधुनिक हिंदी क्षेत्र के जाने माने गीतकार हैं, यानी आप गीत लिखते थे। समझ में आ रहा आपके? ओके, चलिए बढ़ते आगे। इस पार्ट में हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? गीत सामान्यतः स्वर, पद और ताल से युक्त गान ही गीत है। इनमें एक मुखड़ा और कुछ अंतरे होते हैं। प्रस्तुत गीत के माध्यम से कवि ने हमारे जीवन में नदी के योगदान को दर्शाते हुए इसे प्रदूषण मुक्त रखने के लिए प्रेरित किया है। क्या है? ये एक गीत है। हाँ, आपको नाम से ही पता चल रहा है, नदी की पुकार।
क्या हो सकती है? नदी की पुकार, नदी पुकार रही है आपको, आ जाओ मेरे अंदर तैरो आकर, ऐसा नहीं ना? तो यहाँ पर जो सुरेश चंद्र मिश्र जी है, उन्होंने प्रस्तुत गीत के माध्यम से क्या किया है, हमारे जीवन में नदी के योगदान को दर्शाते हुए प्रदूषण मुक्त, प्रदूषण समझते ना, प्रदूषित गंदगी, गंदा हो जाना है ना, नदियाँ गंदी हो रही है ना लगातार हमारे देश की, है ना, बहुत सारी नदियाँ हमारे देशों में क्या हो रही है, गंदी होती जा रही है रोज़ बरोज़ को। कवि कह रहे हैं कि प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, प्रेरित किया है कि हम नदियों को कैसा रखें, साफ़ सुथरा रखें। तो इस गीत में हमें यही सब देखने के लिए मिलेगा। समझ में आ गया आपके? ओके, चलिए बढ़ते आगे। चलिए करते हैं नदी की पुकार शुरू। सबको जीवन देने वाली, सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। दिख रहा है आपको कितनी खूबसूरत नदी यहाँ पर आपको बहते हुए दिख रही है ना, सबको जीवन देती है, सबको जीवन देती है मतलब पानी से ही तो जीवन है, पानी ही जिंदगी है हमारी, पानी के बगैर तो हम मर जाएंगे, बराबर ना। इतने बड़े बड़े देश, इतने बड़े बड़े सैटेलाइट एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर भेज रहे हैं, ज़मीन से दूसरे ग्रह पर जा रहा है, पृथ्वी से दूसरे ग्रह पर जा रहा है, काहे के लिए, पानी की तलाश में। लेकिन हज़ारों लाखों साल गुजर गए, कहीं और पानी नहीं मिला, पानी कहाँ पर है, सिर्फ हमारी धरती पर ही है, और पानी से ही जीवन है, इसका मतलब पानी ही जीवन है। सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रहे, हमेशा भलाई करती रहती है, हा? नदी के लिए आपने कुछ भलाई की है क्या? नहीं ना। नदी क्या करती है, सबकी भलाई करती रहती है, सबको जीवन देती है, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा ले भाई रे। हाँ, दूसरी तस्वीर आपको दिख रही है कि किस तरह नदी गंदी हुई है। किसने किया है? हमने ही किया है। हाँ, हम ही रहते हैं यहाँ पर इस धरती पर, हम इंसान ही रहते हैं, और ये हमारे भारत की पवित्र नदी है, और उसको हम किस तरह गंदा कर रहे हैं। तो नदी कह रही है, कल कल करती नदियाँ, हजारों नदियाँ कह रही है, मुझे बचा लो भाई रे, मुझे बचा लो भाई रे, मुझे बचा लो भाई रे। तो अब हम नदियाँ साफ करने पर जोर तो दे रहे हैं, लेकिन हमें ये भी करना है कि हम गंदगी ना करें। समझ में आ रहा है आपके? हाँ, साफ तो होंगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, साफ तो हो ही जाएंगी नदियाँ, क्योंकि हुकूमत उस पर काम कर रही है, सरकार उस पर काम कर रही है, लेकिन हमें गंदगी भी कम करनी चाहिए। साफ होती रहेंगी, गंदगी होती रहेंगी तो कोई मतलब की बात नहीं, हम गंदगी ना करें और सफाई होते रहे तो पूरी हमारी नदियाँ क्या हो जाएंगी, क्लीन हो जाएंगी, साफ सुथरी हो जाएगी। तो आपको करना ये है, सिर्फ गंदगी नहीं करना है। समझ में आ रहा है आपके? तो सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। बढ़ते आगे। मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। परहित का जीवन है अपना, मत बनिए सौदाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। क्या कह रही है नदी? मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, कैसे बहती है? मर्यादा में बहती है, अपना जो रास्ता है उस रास्ते पर वो बहते रहती है, बराबर ना।
जैसे उसका रास्ता है उसी रास्ते पर वो बहते रहती है, इधर उधर नहीं जाती है, इधर उधर नहीं भटकती है, बल्कि जो उसका रास्ता तय है वही रास्ते पर वो चलती रहती है लगातार। होकर अमृत धारा, यानी अमृत धारा जिसको पीकर इंसान अपनी प्यास बुझाता है। अमृत मतलब अव्याहत होता है ना, उस तरह का वो पानी है। होकर अमृत धारा, मर्यादा में बहने वाली, अपनी मर्यादा में अपनी हद में रहकर बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। जिसने भी मुझे पुकारा, मैंने उसकी हमेशा ही प्यास बुझाई है। कभी मैंने किसी में भेदभाव नहीं किया है, ना मजहबी भेदभाव, ना रंग का भेदभाव, ना ऊंच नीच जात का भेदभाव, है ना। यहाँ तक कि मैंने जानवर, परिंदों, दरख्त वगैरह में भी भेदभाव नहीं किया। जिसने भी मुझे पुकारा, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, परिंदा हो, चरिंदा हो, दरख्त हो, पत्थर हो, कोई भी हो, सबकी मैंने क्या की, प्यास बुझाई, जिसने भी मुझे पुकारा। समझ रहे ना। हमें भी क्या करना चाहिए, जिसको हमारी मदद की ज़रूरत हो या जिसे हम मदद कर सकते हैं, ऐसे लोगों की हमें मदद करना ही चाहिए, है ना। नेकी कर दरिया में डालो, बराबर ना। प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा, मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। परहित का जीवन है अपना, मत बनिए सौदाई रे। किसका जीवन है, परहित का। परहित का मतलब क्या है, परहित का मतलब है दूसरों की भलाई करने वाला। मत बनिए सौदाई रे, पागल मत बनिए, सौदाई मत बनिए। परहित का जीवन है अपना, दूसरों की भलाई करना। हमेशा से ही नदी का जीवन रहा है, नदी हमेशा से ही लोगों की भलाई करती है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि फिर बाढ़ आती है, लोगों को कितना नुकसान होता है, घर बह जाते हैं, इंसान मर जाते हैं, तो वो भी किसकी करनी है, इंसानों की करनी है, क्योंकि इंसानों ने प्रकृति से छेड़छाड़ की, दरख्त काटे, पहाड़ों को काटा, तो सही नहीं है। लेकिन नदी का जो जीवन है वो कैसा है, दूसरों की भलाई करने वाला है, हमेशा से ही क्या रहा है, भलाई करने वाला है। पागल मत बनिए, अब भी लोगों की क्या कीजिए, भलाई कीजिए, जहाँ तक हो सकता है लोगों की भलाई कीजिए। अपना उसमें फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन लोगों की भलाई हमें करते ही रहना चाहिए। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि हमें नदियों को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है। हमारी नदियाँ हमारे देश की शान है, हमारे देश की आन बान शान है, हमारी देश की नदियाँ, तो इनको क्या करना है, हमें साफ रखना है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। परहित का जीवन है अपना, मत बनिए सौदाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, मुझे बचा लो भाई रे। चलिए बढ़ते आगे। ग्रीवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना, ग्रीवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना, जो भी पथ में मिल जाए पर उसे बना लो अपना। ग्रीवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना, जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना। मगर मालिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। क्या कह रही है यहाँ पर नदी, ग्रीवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना। ग्रीवन मतलब जहाँ से नदी बनना शुरू होती है, कहने का मतलब है कि जंगल और पहाड़ के दरमियान में से जो छोटे छोटे झरने निकलते हैं और फिर नालों के ज़रिए
नदी छोटी छोटी नदियों के जरिए फिर क्या बनती है, एक बड़ी नदी बनती है। तो नदी कह रही है कि जब मैं वहाँ से निकली थी छोटे छोटे पहाड़ों में से झरना बनकर और जंगलों में से छोटा छोटा पानी बनकर छोटी छोटी नाली से बहकर जब मैं नदी बनी तब मैंने क्या किया था, एक पाला था सपना, यानी एक सपना उन्होंने देखा था। मन में ये तय किया था कि जो भी पत्नी रास्ते में, पत मतलब रास्ता, रास्ते में जो भी मिल जाए, है ना, नदी कहाँ से निकलती है आपको पता है ना, हिमालय के पहाड़ों से निकलकर नदियाँ समंदर तक जाती है, तो इतना लंबा वो सफ़र तय करती है। तो जब वहाँ से वो निकलती तब उसने पाला था एक सपना, जो भी पथ में मिल जाए, जो भी रास्ते में मिल जाए बस उसे बना लो अपना, ऐसा उसने सोची थी। चाहे पत्थर आए रास्ते में, चाहे इंसान है, चाहे पहाड़ आए, जंगल आए, दरख्त आए, जो भी रास्ते में आए सबको बना लूँ अपना, ऐसा उसने सोची थी। किसने सोची थी? नदी ने। मगर मलिनता लोगों ने तो, मलिनता मतलब मलिनता मतलब गंदगी, लोगों ने तो मुझमें डाल मिलाई रे, यानी लोगों ने मेरे अंदर गंदगी मिलाई हर जगह पर, जहाँ जहाँ से मैं बहती हूँ, जहाँ जहाँ पर भी शहर लगते हैं, छोटे छोटे गांव लगते हैं, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, मेरे अंदर गंदगी मिलाते ही मिलाते हैं। कौन कौन सी गंदगी जाती है उसमें नदियों में? कचरा जाता है, थैलियाँ जाती है, बराबर ना। हम जाकर अगर हम गांव शहर में रहते हैं, छोटे छोटे गांव में रहते हैं, तो फिर नदी वहाँ से जाती है तो वहीं पर जाके हम एक नंबर दो नंबर करते हैं, गांव के बच्चे वहाँ पर जाकर नदियों में खेलते हैं, उसको गंदा करते हैं, नहाते हैं। इसके अलावा कपड़े धोने के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं, है ना, जहाँ पर पानी का इंतज़ाम नहीं होता छोटे छोटे गाँव में, वहाँ पर क्या होता है, कपड़े वहाँ पर जाकर धोए जाते हैं। इतनी निर्मल, इतनी प्यारी नदी को क्या करते हैं, हम गंदा करते हैं। और इसी तरह फिर शहर में आए तो शहर में क्या होता है, शहर में बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़ी फैक्ट्रियाँ, उनसे निकलने वाला गंदा पानी कहाँ जाता है, नदियों में ही जाता है ना। कैसे? छोटी छोटी नाली से फिर बड़ा नाला बनकर फिर वो नदी तक पहुँचता है। इस तरह नदी भी क्या होती है, गंदी होती है। मगर मालिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे, गंदगी मेरे अंदर लोगों ने मिला दी है। मैंने इनका गंदा नहीं किया बल्कि इन्होंने मुझे गंदा किया। मैंने तो ये सपना देखा था कि जो भी रास्ते में मिलेगा, जो भी पथ में मिलेगा, मैं उसे अपना बनाऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था ये इंसान मुझे ही गंदा करेगा। मैं उनका सहारा हूँ, मैं उनकी प्यास बुझाती हूँ, उनकी ज़रूरत की चीज़ हूँ, फिर भी वो लोग मुझे गंदा करते हैं। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, वो आपसे क्या कह रही है, दया कर रही है, भीख मांग रही है कि मुझे बचा लो भाई रे, मुझे बचा लो भाई रे। समझ में आ रहा है ना आपके? ग्रीवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना, जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना, मगर मालिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे, कल कल करती नदियाँ कह दी मुझे बचा लो भाई रे, मुझे बचा लो भाई रे। चलिए बढ़ते आगे। नदिया के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, नदिया के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती, बिना शुल्क जल दे देती है कितनी आए महंगाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। क्या कह रही नदियाँ पर? नदियों के तट पर बैठो, नदियों के तट पर, नदियों के किनारे पर बैठो तो हरदम गीत सुनाते, गीत सुनाते मतलब, गीत से यहाँ पर क्या मुराद है, गीत का क्या मतलब है यहाँ पर?
गीत का मतलब है कि जब नदी बहती है और नदी बहने में जो आवाज़ निकलती है, पत्थरों की रगड़ होती है, पानी की सरसराहट होती है, पानी जब बहता है तो पानी बहने की जो आवाज़ होती है उसको यहाँ पर गीत कहा गया है कि नदियों के तट पर बैठो तो हर दम गीत सुनाती है, आपको बोर नहीं करती, परेशान नहीं करती, बल्कि आपको क्या करती है, गीत सुनाती है, गाने सुनाती है, नगमे सुनाती है। सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती है, सूखा पड़ जाए तो कहीं पानी ना मिले, लेकिन नदी में आपको थोड़ा बहुत तो पानी मिलता है, इतना पानी तो आपको मिल ही जाएगा कि आपकी प्यास बुझ जाएंगी। तो इस तरह होती है नदी, और हम क्या कर रहे हैं उसको दिन ब दिन गंदा ही करते जा रहे हैं। सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती है, बिना शुल्क जल दे देती है, हाँ फ्री में, मुफ्त में, बिना शुल्क, बिना किसी कीमत के आपको क्या देती है, जल देती है, पानी देती है, कौन, नदी, बिना शुल्क जल दे देती है। कितनी आए महंगाई रे, कितनी भी महंगाई है, पेट्रोल डीजल कितने भी महंगे हो जाए, लेकिन आपको पानी मुफ्त में ही मिलता है, फ्री में ही मिलता है। हाँ सोचो, अगर आप पानी आपको पैसों से मिलने लगे, कितनी बड़ी नेमत है ये अल्लाह ताला की, क्या पानी, पानी के बगैर तो जीवन ही नहीं, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि पानी के बिना जीवन ही नहीं है। सारे साइंटिस्ट लोग पानी खोज रहे हैं अलग अलग ग्रह पर, लेकिन पानी सिर्फ धरती पर ही है, हमारी इस धरती पर, और उसी पानी को हम क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। और पीने लायक पानी तो कुछ ही है, बाकी पूरा पानी तो नमकीन है, खारा है, समंदरी पानी है, उसको तो हम यूज़ भी नहीं कर सकते। तो कितनी आए महंगाई रे, हाँ पानी अगर महंगा हो जाए या पानी आपको कीमतों में मिलने लगे, पैसों में मिलने लगे, तो सोचिए फिर कितना बोझ हम पर बढ़ जाएगा। आपके घर में नल आते हैं, वो तो सिर्फ हमें टैक्स देना होता है, नल का टैक्स देना होता है, बराबर ना, लेकिन पानी मुफ्त में मिलता है, खेती बाड़ी के लिए पानी लगता है, और यूज़ करने के लिए पानी लगता है, नहाने धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, बहुत जगह पर पानी का इस्तेमाल होता है, और वो पानी हमें मुफ्त में मिलता है, फ्री में भी मिलता है। कितनी महंगाई हो जाए ना, पेट्रोल डीजल कितने भी महंगे हो जाओ, खाना पीना कितना भी महंगा हो जाओ, लेकिन पानी हमें मुफ्त में ही मिलता है, कितनी भी महंगाई आ जाए। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो, भाग रही नदियाँ, कह रही हमें बचाओ, गंदगी से बचाओ, और हमें साफ सुथरा रखो, हमारी सफाई करते रहो। तो क्या करें, यहाँ पे नदियाँ के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती, बिना शुल्क जल दे देती है, कितनी आए महंगाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, मुझे बचा लो भाई रे। चलिए बढ़ते आगे, समझ में आ रहा है ना आपके, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए अब यहाँ पर क्या करी, नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा, मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा, होय हैया की धुन ना दे कभी सुनाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, अभी नदियाँ नहीं रहेंगी तो सागर भी मुरझाएगा। नदियाँ ही जाकर कहाँ मिलती है, सागर में मिलती है। तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है कि तमाम नदियाँ जो है जाकर कहाँ गिरती है, सागर में गिरती है, समंदर में गिरती है, बराबर ना। अभी ये नदियाँ जाकर सागर में नहीं मिलेंगी, तो कवि कह रहे हैं कि सागर भी मुरझा जाएगा। मुरझा जाएगा मतलब पानी ख़त्म नहीं हो जाएगा उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर का भी पानी कम हो जाएगा, मुरझा जाएगा। नदियाँ नहीं रहेंगी तो सागर भी मुरझाएगा, मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि छोटे छोटे झरने आते हैं, फिर नाला बनता है, फिर वो नाला जाकर नदी में मिलता है, छोटी छोटी नदी से मिलकर फिर बड़ी दरिया, बड़ी नदी बनती है। नदियाँ नहीं रहेंगे तो सागर भी मुरझाएगा, मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा, होय हैया धुन ना दे कभी सुनाई रे। हाँ जो
कश्ती चलाते हैं ना, और जब वो कश्ती चलाते हैं तो इस तरह का वो आवाज़ निकालते हैं, होय हैया होय हैया होय हैया। ये धुन भी आपको कभी सुनाई नहीं देगी। कलकल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, हमें बचाओ, हमें गंदगी से बचाओ, हमें ख़त्म होने से बचाओ, हमें बंद मत करो, हमें और बड़ा करो, हमें साफ़ सुथरा रखो, स्वच्छ रखो। ऐसे कह दिए है नदियाँ। नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुर जाएगा, मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। होय हैया होय हैया की धुन ना दे कभी सुनाई रे, हाँ कभी सुनाई नहीं देंगी। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, मुझे बचा लो भाई रे। समझ में आ रहा है ना आपके? हाँ, छोटे छोटे नाले से बनकर दरिया बनती है, छोटी दरिया, तो छोटी छोटी दरिया से मिलकर एक बड़ा दरिया बनता है, और फिर वो बड़ा दरिया बहता हुआ है जाता है समंदर में गिरता है। समझ में आया आपके? ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली, झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली, सरिता बन करके खेतों में फैलाई हरियाली, खारे सागर में मिलकर के मैंने दिया मिठाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, मुझे बचा लो भाई रे। झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली, सरिता बन करके खेतों में फैलाई हरियाली, खारे सागर में मिलकर के मैंने दिया मिठाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। झरना बनकर मैंने, झरना गिरते हैं ना पत्थरों से, पहाड़ों से, झरना जब गिरते हैं तो लोग वहाँ पर जाते हैं, हिल स्टेशन वहाँ पर बन जाता है, लोग दूर दूर से उसको देखने के लिए आते हैं, देखते भी हैं, उसमें नहाते भी हैं। नैनों को बाटी खुशहाली, उसको देखकर हमारे नैनों को, हमारी आँखों को खुशहाली मिलती है, हम खुश होते हैं, हमें अच्छा लगता है। झरना बनकर मैंने नैनों को बाटी खुशहाली, सरिता बनकर, प्रिंसेस बनकर, परी बनकर खेतों में फैलाई हरियाली, चारों तरफ हरियाली हरियाली। हाँ, बारिश ना हो तो हरियाली भी नहीं रहेगी, नदियाँ नहीं रहे तो पानी भी नहीं रहेगा। सरिता बनकर, परी बनकर खेतों में हरियाली फहराई, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली बाटी, खारे सागर में मिलकर के, मैंने क्या किया, खारे सागर में जाकर मिल गई मैं, लेकिन फिर भी मैंने क्या दिया, मिठाई बाटी, क्या करी, मिठाई बाटी रे। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, मुझे बचा लो भाई रे। खारे सागर में मिलकर मतलब खुद की जान को उसने क्या कर दिया, खारे सागर में डाल दिया, यानी अपने आप को तकलीफ में डाल दिया। मीठा पानी से वो खारा पानी बन गया, लेकिन पूरे रास्ते वो क्या करती गई, मिठाई देती गई सबको, जहाँ से निकली थी वहाँ से लेकर समंदर में मिलने तक सबको क्या की उसने, मिठाई देती रही, मिठाई बांटती रही। उसने तो सपना देखा था कि जो भी पथ में मिलेगा, रास्ते मिलेंगे, उससे बनाएंगे हम अपना, लेकिन उसमें क्या मिला है तुमने, हमने, इंसानों ने गंदगी मिलाई है, और उसको क्या कर दिया, फिर गंदा कर दिया, किसको, नदियों को। तो वही कह रही है यहाँ पर, झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली, सरिता बनकर के खेतों में फैलाई हरियाली, खारे सागर में मिलकर के मैंने दिया मिठाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, मुझे बचा लो भाई, मुझे बचा लो। इतनी गंदगी हो रही है चारों तरफ। अब गंदगी किस तरह होती है आप लोगों को तो पता ही है, मैंने बताया भी आपको, इसके अलावा भी और बहुत तरीके की गंदगी नदियों में, नालों में जाती है, तो उससे हमें बचाना चाहिए, नदियों को गंदा होने से बचाना चाहिए, गंदी नदियों को साफ करना चाहिए। तो बच्चों समझ में आया आपके, ये थी नदी की पुकार जो आपको सुनना है, क्या करना है,
सुनना है और नदी की तरह बनने की कोशिश करना है। जिस तरह वो सबको अपना बना लेती है, सबकी प्यास बुझाती है, सबसे हिल मिल कर रहती है और अपने रास्ते पे चलती है, अपने आप को सागर में मिला देती है, लेकिन सबको मिठाई देती रहती है, सबको भलाई करती रहती है। भलाई करना ही उसका काम है। इसी तरह हमें भी हमारे एम पर फोकस करना है और भलाई करते रहना है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्टार्टअप बताया ना मैंने आपको, हाँ, वहाँ पर जाकर आप सवाल हल कीजिए और फीडबैक फॉर्म भरना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।